लाभ हानि बट्टा संबंधी प्रश्न को कैसे हल करते हैं, इसको हम देखते हैं। लाभ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की है, उसको हमने 110 में बेच दिया था, हमको कितना लाभ हुआ, 10 रुपये का, तो वो लाभ कहलाता है। और यदि 90 रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा, 10 रुपया हमको घाटा होगा, उसको हानि बोलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन है कि एक टेबल का अंकित मूल्य है क्या होगा यदि वह 15% बट्टा देने पर 935 रुपये में बेची गई है। एक टेबल का अंकित मूल्य क्या होगा यदि वह 15% बट्टा देने पर 955 रुपये में बेची गई है। तो ये हमारा आंसर है, बट्टा, बट्टा क्या दिया, 15%। बट्टा क्या होता है, जो दुकानदार के द्वारा छूट दी जाती है वो बट्टा कहलाता है। 15% छूट दिया है या बट्टा उसको बोलते हैं। विक्रय मूल्य कितने, विक्रय मूल्य किस क्या है इसका, 935, मतलब 935 में बट्टा देने के बाद 935 में बेचा है, तो उस पे अंकित क्या मूल्य रहा होगा वो हम देखते हैं। अंकित मूल्य बराबर होता है, सूत्र है ये, 100 गुणित विक्रय मूल्य बटे 100 ऋण बट्टा प्रतिशत में, बराबर 100 गुणित 935 बटे 100 ऋण बट्टा कितना दिया है, 15%। ठीक है, 15% लिख दिया, बराबर 100 का गुणा कर देंगे, 9,3500 हो जाएगा, नहीं 93,500 हो जाएगा बटे 85, इसको डिवाइड करेंगे तो अंकित मूल हमारा निकल आया 1,100 रुपये, यह आंसर हो जाएगा। मतलब टेबल का जो अंकित मूल हमको निकालना था, प्रिंट रेट क्या लिखा होगा उसमें, ग्राहक को उसने 935 में बेचा, 15% छूट भी दिया, देने के बाद 935 में बेचा, तो उसका मूल्य कितना रहा होगा टेबल पे, वो हमने इसमें निकाला, 1,100 रुपये मूल्य रहा, प्रिंट रहा है उस पर टेबल के ऊपर, और 15% जो है बट्टा देने के बाद 935 रुपये में ग्राहक को मिला। यदि हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।